प्रांजलि टीवी के अपडेट्स तुरंत पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करके अपना अपना देते रहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम शिव सावन और सोमवार में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सावन का महीना जो भगवान शिव की भक्ति करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बताया गया है, उस सावन का आज अंतिम सोमवार है, यानी कि चौथा सोमवार। आज हम आपको बताएंगे कि विशेष तौर पर, यानी कि जो सावन का अंतिम सोमवार है, इस दिन आप क्या कुछ विशेष करें, कैसे पूजा अर्चना करें, क्योंकि भगवान शिव हर प्रकार के सुख देने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं। तो कैसे आपके जीवन से कष्ट दूर हो, सुख का आगमन हो, और कैसे आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर विशेष मंत्र का जाप करें, कौन से होंगे वो मंत्र, ये सारी जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद पंडित हनुमान मिश्रा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार। ओम नमस्कार। ओम नमः शिवाय। पंडित जी, आज जो अंतिम सोमवार है सावन का, वो क्यों विशेष महत्व रखता है, और साथ ही साथ आज जो भी व्यक्ति पूजा करेगा उसको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, और क्या कुछ खास है इस सोमवार में, ये बताइए जी। हर साल सावन आते हैं और सावन शिव को प्रिय हैं, और सावन में सोमवार भी होते हैं, लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह इस वर्ष के सावन का जो चौथा सोमवार है उसके लिए विशेष है। इस सोमवार के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। उदया लग्न जो बन रही है उस समय सूर्य की राशि लग्न पर आ रही है और मंगल छठे में है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, और सावन का जो चौथा सोमवार होता है वह भी इस मामले में एक विशेष संबंध रखता है। यानी सावन के चौथे सोमवार को शिव की विधिवत पूजा उपासना करने से रोग ऋण शत्रु का नाश होता है। कोई बड़ा गंभीर रोग जो बड़े दिनों से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसके लिए आज के दिन आप विशेष उपाय कर सकते हैं, पूजन अर्चन करके शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं, इसलिए ये विशेष है। दूसरी बात ये कि जो शिव जी के तीन नेत्र हैं उनको मानते हुए कहा गया है कि सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये नेत्र स्वरूप हैं, और देखें तो सूर्य अब जो कि पहले सोमवार को जल तत्व की राशि में था, अब वह अग्नि तत्व की राशि में पहुंच गया है। यानी यदि आपके शरीर की अग्नि असंतुलित है, रोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जठराग्नि ठीक से काम नहीं करती, और जब जठराग्नि यानी अन्न को पचाने वाली जो अग्नि है वो ठीक से काम नहीं करती तो विविध रोग उत्पन्न होते हैं। और इस सोमवार को यदि आपने शिव को मना लिया, शिव वैसे भी रोगों पर आधिपत्य रखते हैं, यानी रोगों को नाश करने का जिम्मा अथवा रोग देने का जिम्मा दोनों ही शिव के पास है, क्योंकि वो मृत्यु दूर करते हैं और मृत्यु देने में भी उनका कहीं ना कहीं योगदान होता है बैलेंस बनाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में चौथे सोमवार के दिन यदि आप रोग से पीड़ित हैं अथवा परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इस सोमवार को करके देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि सावन के चौथे सोमवार को की गई यह प्रार्थना आपके चहेते व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर जरूर कर सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी एक डेस्टिनी है, किस हद तक ठीक होगा यह उस पर निर्भर करता है। लेकिन रोग को ठीक करने के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अथवा कर्ज मुक्ति के लिए आज का सोमवार आपके लिए विशेष मददगार सिद्ध हो सकता है। शिव पार्वती को इस महीने का विशेष जिम्मा है, ये उनका विशेष प्रिय मास है। मान्यता के अनुसार जब श्री हरि सोने चले जाते हैं तो इन भगवान शिव और भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ और पार्वती के पास ये जिम्मा होता है कि वो धरती का संरक्षण करें, और ये इन दोनों का प्रिय महीना है। तो ऐसे महीने में यदि जिम्मेदार व्यक्तियों से कुछ मांगा जाएगा तो निश्चित है कि आपको मिलेगा। तो इस महीने आरोग्यता मांग कर देखिए, और साथ ही अगर आप चाहें, क्योंकि इस सोमवार को विशेष समय देखा जाए तो उदय लग्न के समय चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित है, तो अगर आप चाहें तो घरेलू समस्याओं से निजात पाने की प्रार्थना भी इनसे कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ से।
चंद्रमा नीच का है, तो निश्चित है कि ऐसे लोग जो बड़े दिनों से मानसिक रूप से व्यथित चले आ रहे थे अथवा किसी कारण से माता से किसी बात पर झगड़ा या अनबन थी, तो इस महीने के इस सोमवार को यह प्रार्थना करके देखिए कि आपके माता और आपके बीच में जो संबंध कमजोर हुए हैं वो अब ठीक हो जाएं। यकीन माने भोलेनाथ आपकी सुनवाई जरूर करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्रार्थना तो जो भी हो, जो भी हम ईश्वर से मांगता है बिल्कुल सच्चे हृदय से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर उसको देने में बिल्कुल देरी नहीं करते। और जब भगवान शिव की बारी आती है और जब हम बात करते हैं सावन के सोमवार की, तो निश्चित तौर पर उसका फल आपको मिला है। अब फल कैसे मिलेगा, क्योंकि पूजा पाठ हमें करनी होगी, किस मंत्र का विशेष तौर पर जाप करना होगा, पंडित जी इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, एक तो अगर आज के दिन रुद्राभिषेक अगर आप करना चाहें, क्योंकि अंत भला सो सब भला, तो आज के दिन आप दूध से रुद्राभिषेक कर सकते हैं, किसी पवित्र जल के स्थान से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी कामनाओं की सिद्धि देता है। और यदि आप रोग के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रोग पर विशेष जोर दिया है, विशेष बल दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप कुश के जल से, कुश या कुशा जिसे कहते हैं, उससे आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कैसे बनाना है ये जल, आप कहीं से कुश ले आएं, उसको पानी में भिगो दें शुद्ध जल में, और उसके बाद उसे निचोड़ दें, निश्चित है कि कुछ मटमैला सा जल बन जाएगा, उससे आप रुद्राभिषेक करें, निश्चित है कि इससे स्वास्थ्य पीड़ा आपकी ठीक होगी। मंत्र क्या जपना है, मंत्र जपने से पहले मैं बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी सफ़ेद आसन में आपको शिव परिवार को स्थापित करना है, उनको पंचामृत से स्नान करवाना है, चंदन रोली इत्यादि लगाना है, पत्र पुष्प इत्यादि अर्पित करना है, और ओम रुद्राय नमः शिवाय, ओम रुद्राय, क्योंकि शत्रु और रोग को नष्ट करने में ये जो रुद्रांश है ये विशेष सहायक होता है, तो ओम रुद्राय नमः शिवाय। विशेष पूजा अर्चना के लिए आपको अपने कुल पुरोहित की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन एक साधारण पूजा अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो इस पूजा विधि को अपनाएं और ओम रुद्राय नमः शिवाय इस मंत्र का 11 माला जप करें। यकीन माने आपको जिन कष्टों की चर्चा मैंने की है उससे मुक्ति या बेहतरी जरूर मिलेगी। अच्छा, अभी हमने जब चर्चा की थी अपने पिछले एपिसोड्स में, तो हमने बात ये भी की थी कि शिव मुट्ठी का जो है विशेष महत्व है, तो आज के लिए किस अनाज की शिव मुट्ठी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? आज के लिए आप जौ का प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक मुट्ठी जौ, आप अधिक भी दान करें लेकिन शिव मुट्ठी के रूप में एक मुट्ठी जौ आप किसी शिव सेवक या भक्त को जरूर दान करें। अच्छा, दान का क्या विशेष महत्व है, क्योंकि हमने अब तक ये सुना है कि अगर आप कोई पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, तो आमतौर पर इस दिन दिया गया दान बहुत पुण्य फल देने वाला होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए जी। क्योंकि जिस प्रयोजन से आप ऐसा कर रहे हैं उससे संबंधित व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं तो ज़्यादा अच्छा। दान और पुण्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बृहद विषय है, लेकिन आप मदद किसी की भी करें उससे पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन अगर दान करना है तो जैसे बृहस्पति का ध्यान करना है तो बृहस्पति से संबंधित जो जाति है या बृहस्पति की उम्र का जो व्यक्ति है, बृहस्पति बुजुर्ग है और एक जाति विशेष का द्योतक होता है, तो उसको देने का विधान है। ऐसे ही शनि का दान करना है तो शनि की भी एक उम्र है, शनि की कुछ जातियाँ निर्धारित की गई हैं, तो उनको दान देने से उस ग्रह की शांति होती है अथवा जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं उसकी प्राप्ति होती है। तो पुण्य के लिए आप किसी की भी मदद करें, जो भी जरूरतमंद है उनको, उनकी मदद करने से आपको पुण्य मिलता है, लेकिन दान के लिए आपको जो सुझाव आपके एक्सपर्ट या सलाहकार दें उन्हीं को दान करना चाहिए। और इसके साथ एक बात और बता दें कि शिव को विल्व पत्र अगर आप चाहें तो चढ़ाएं, अक्सर चढ़ाएं, हमेशा चढ़ाएं, क्योंकि शिव को विल्व पत्र प्रिय है। और इसमें अगर हम देखें, क्योंकि आजकल लोग ये चाहते हैं कि हर पूजा से कुछ लाभ मिले, सकाम पूजा करने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इस बात पर अधिक जोर दे रहा हूँ। निष्काम पूजा तो श्रेष्ठतम होती है, लेकिन सकाम जो पूजा कर रहे हैं तो विल्व पत्र चढ़ाने से सूर्य और बुध संबंधी कष्ट जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। यानी आज रोग की बात हो रही है कि आज का जो सोमवार है ये रोग से निदान देने में आपकी मदद कर सकता है, तो यदि आपको त्वचा से संबंधित कोई रोग है अथवा कोई जीर्ण रोग है तो भगवान शिव को विल्व पत्र चढ़ाएं, यदि संभव हो तो उसमें ओम नमः शिवाय अथवा राम राम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि आपका यह रोग ठीक हो जाए। विशेषकर यदि आप बहुत चिड़चिड़े या क्रोधी हैं, बेवजह किसी से लड़ते रहते हैं, तो भी इस पूजा को आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको सफ़ेद चंदन से राम राम या ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए, यदि आप क्रोध से मुक्ति चाहते हैं तो।
वाकई में बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और मुझे लगता है कि आज का व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा बर्बाद होता है वो होता है हॉस्पिटल्स में, दवाइयों में। तो अगर हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान हमारे साथ साथ इस संपूर्ण जगत को रोग मुक्त करे, तो निश्चित तौर पर भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। और जो रोग मुक्त अगर हम हो जाते हैं तो यकीन मानिए जीवन से आधी परेशानियाँ तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। खैर, आज आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। तो वाकई में दर्शकों, इस बार सावन के सोमवार बहुत विशेष रहे हैं, क्योंकि हमने पहले सोमवार से लेकर आखिर तक यानी कि आज चौथे सोमवार तक आपको बताया कि किस प्रकार से पूजा पाठ करना आपके लिए काफ़ी लाभकारी और हितकारी साबित होगा। जाते जाते हमारी यही प्रार्थना है, हम यही चाहते हैं भगवान शिव से प्रार्थना करना कि आपने जो भी इच्छाएं भगवान शिव के समक्ष रखी हैं, अगले सावन आने तक या उससे पहले आपकी वो हर मनोकामना पूरी हो और आपके जीवन में खुशियाँ हों। इसी कामना के साथ हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।